जस्ट इन वन वर्ड, जस्ट वाव। ये सामने खूबसूरत से ये लेक, पूरा ये पहाड़ों का रीजन है और ये कितना खूबसूरत से क्लाउड है और पहाड़ के एकदम ऊपर एट द टॉप ऑफ द हिल। दोस्तों ऑलरेडी हम लोग जाते जाते घूमते घूमते पहुंच चुके हैं एक लेक में। इस लेक का नाम है लंपोखड़ी। ओके, प्रोनाउंसिएशन कुछ डिफरेंस हो सकता है। एंड दिस इज़ द एंट्री ओवर हियर। तो एक पहाड़ के बीच में एक बहुत बड़ा लेक है। इस लेक को एक्सप्लोर करने आए हैं, यहाँ पर कुछ समय हम लोग बिताएंगे। और यहाँ पर एंट्री है पर पर्सन 10 रुपये और कार पार्किंग के लिए लगता है एक्स्ट्रा 20 रुपये। सो ये टोटल हम लोगों का खर्चा यहाँ पर। वाओ, लेक का सीन देखिए, सच ए ब्यूटीफुल। ये सामने पूरा पहाड़, पहाड़ के सामने है ये बहुत ही खूबसूरत सा लेक और यहाँ पर टहलता हुआ ये नाव बोटिंग के लिए। अच्छा होता आप बोटिंग भी कर सकते हो यहाँ पर, तो बोटिंग करेंगे ना। खाने के लिए रेस्टोरेंट भी है, बहुत कुछ जगह है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल भाई, लुक एट द सीनिक ब्यूटी, लुक एट द सीनिक ब्यूटी। यहाँ पर देखो एकदम इधर उधर से जा रहे हैं और ऊपर है पूरा पहाड़, पूरा जंगल चारों तरफ। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, सो फीलिंग सो गुड। लगभग जहाँ से हम लोग जानी शुरू किए थे हम लोगों का जो होम स्टे से, वहाँ से ये लगभग कितना 1.5 से 2 घंटे हम लोगों का एंट्री टाइम लगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। तो चलिए थोड़ा सा घूम फिर के आते, उसके बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है वो भी आपको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। लेक के आसपास घूम रहा हूँ, यहाँ पर बोटिंग का भी पूरा बंदोबस्त है। फीलिंग सो ग्रेट। और ऊपर एक मॉनेस्ट्री भी आपके शायद ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ये पूरा पहाड़ स्टेप बाय स्टेप धाप करके ऊपर जाने का पोजीशन भी है। टूरिस्ट यहाँ पर आकर बोटिंग भी कर रहे हैं। ओके, दिस इज अ बोटिंग। बोटिंग कितने का? कितना जन? 4 जन, 450। ओके फाइन। तो एक्चुअली पर हेड 50 है बोटिंग के खर्चा। इस टोटल बोट 4 जन जाएंगे, 200 रुपीज़। सो 550 रुपीज़ पर हेड पड़ रहा है। सो लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं आगे का सीन क्या है। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पहाड़ तो ऐसे खूबसूरत है और पहाड़ के बीच में लेक और भी, ये बहुत बड़ा है भाई। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक जा रहे जा रहे जा रहे, कहाँ तक जा रहे अभी तक, जितने तक चपका नज़रिया जा रहा है, नज़र जा रहे उतने तक तो लेक तो दिखाई दे रहा है। उसके बाद भी टर्न हो रहा है, लेक का शेप भी ये बोल के अच्छा, यहाँ से आकर यहाँ होकर फिर से लेफ्ट मार रहा है। इस पार्क में लगभग 1 घंटे स्पेंड करने के बाद, कुछ खाने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और अभी हम लोग जा रहे हैं होम स्टे में, क्योंकि अभी दोपहर को ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और अभी लंच करने का टाइम है। लंच करने के बाद हम लोग सोचेंगे आसपास के और कौन कौन जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इस लेक और इस नज़ारे को गुड बाय करके चलिए मूव ऑन करते हैं।